हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर इन मेडिवा हॉस्पिटल। मेडिवा हॉस्पिटल इज ए डेडिकेटेड सेंटर फॉर सेक्सुअल हेल्थ एंड हार्मोन डिसऑर्डर्स। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो दांत सिंड्रोम। दांत सिंड्रोम क्या है? दोस्तों, रोज मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि जब वो पेशाब जाते हैं या जब वो लेटरिन जाते हैं तो उनके लेटरिन के साथ या उनके पेशाब के साथ पेशाब के रास्ते से कुछ चिपचिपा पानी निकलता है। ये जो चिपचिपा पानी है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा दूधिया कलर का होता है और इसके अंदर चिकनाई होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका सीमन है, ये उनका वीर्य है। दोस्तों, कुछ मरीजों में प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि जब वो किसी लड़की से बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी महिला मित्र से बात करते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो ये चिपचिपा सा पानी निकलता है। कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि जब वो फोरप्ले करते हैं, जब वो किस करते हैं तो उनका उनके पेनिस से इतना पानी निकलता है कि उनका इरेक्शन गायब हो जाता है ड्यूरिंग फोरप्ले। उनका वो चिपचिपाहट की वजह से और गीलेपन की वजह से वो उनका जो इरेक्शन है वो गायब हो जाता है। और ये जो पानी है ये रेगुलर निकलता रहता है जिससे कि उनकी मर्दानगी खत्म हो रही है और वो नपुंसक होते जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारा सीमन जो उन्होंने इकट्ठा किया है बचपन से आज तक वो खत्म हो जाएगा, वो कभी पिता नहीं बन पाएंगे, गायब हो जाएंगे। उनकी दूसरी कंप्लेन ये होती है, इसकी वजह से उनके शरीर के अंदर कमजोरी आ रही है, हड्डियों में दर्द रहता है, वीकनेस आ रही है, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, पढ़ाई करते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है। कुछ लोग मुझे अपना पुराना फोटो भी दिखाते हैं, बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ जब से ये चालू हुई है। तो दोस्तों, दिस इज दांत सिंड्रोम। दांत सिंड्रोम एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है जो कि बचपन से हमारे दिमाग में ठूस दिया गया है। जब भी हम किसी पब्लिक यूरिनल को इस्तेमाल करते हैं तो उस पे लिखा हुआ आता है कि दांत की समस्या, मिले फला फला बाबा से। हर बाथरूम में जब आप बार बार ये चीज देखते हो तो आपको लगता है कि ये जो वीर्य है ये एक बहुत वाइटल फोर्स है, इसी से हमारा जीवन चल रहा है। हम कई किताबों में पढ़ते हैं कि वीर्य की एक बूंद बनाने के लिए 40 बूंद मज्जा लगती है, एक मज्जा के लिए 40 बूंद, बहुत सारे अलग अलग कहानियां हम रोज पढ़ते हैं और उनको उससे ऐसा लगता है कि ये जो सीमन लगातार निकल रहा है तो बिल्कुल आप खत्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। इसी भ्रम को, इसी चिपचिपे पानी को दांत सिंड्रोम कहते हैं। अब बात ये कि ये चिपचिपा पानी क्या है, ये चिपचिपा पानी क्या है? दोस्तों, हमारे जो टेस्टिकल हैं ये सीमन को बनाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। ये जो स्पर्म है टोटल सीमन का सिर्फ 10-15% होता है, बाकी का जो मटेरियल है जो कि ये लिक्विड आ रहा है ये बनता है प्रोस्टेट से, सेमिनल वेसिकल से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। ये सारे फ्लूड मिलके और स्पर्म मिलके सीमन बनाते हैं। तो ये जो चिपचिपा पानी है, जो ये फ्लूड है, ये क्यों बनता है, इसका कारण क्या है? तो पहला जो कारण है कि ये बन क्यों रहा है भैया, इसके इसलिए बन रहा है कि जब हमारा स्पर्म वो कम बन रहा है तो उसको एक मीडियम चाहिए, जब वो सेक्स करेंगे तो एक ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो ये लिक्विड ये उसको प्रोवाइड करता है। मतलब टोटल हमारा जो स्पर्म है वो टोटल सीमन के अंदर 10-15% है, बाकी का जो मटेरियल है वो ये है। तो ये जब बनेगा तभी हम सेक्स कर पाएंगे, तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, इसी मीडियम के अंदर हमारा स्पर्म जिंदा रहता है। दूसरा रीजन बनने का कि जब हम बार बार पेशाब करते हैं तो हमारा जो यूरेथ्रा है, वो जो हमारा ट्रैक है, वो गंदा हो जाता है। तो जब ये स्पर्म और ये सीमन निकलेगा तो उसको उसका पीएच नॉर्मल रहे, सारे स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे, स्पर्म मरे नहीं, इसलिए ये एक प्रीकम निकलता है, ये प्री कंडीशनिंग है जो कि यूरेथ्रा की होती है। तीसरा, सेक्स के दौरान जब हमारे को लुब्रिकेशन चाहिए होता है, जब हम वजाइना में पेनिस को पेनिट्रेट करेंगे तो हमें एक लुब्रिकेशन चाहिए। ये जो लुब्रिकेशन है नहीं होगा तो आप वजाइना के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्रीकम आ रहा है, ये जो लिक्विड पदार्थ आ रहा है, ये वहां पर एक चिकनाई देता है जिससे कि आप घुसाएं तो आपके पेनिस में रगड़ नहीं आए। उम्र के साथ साथ जब ये कम होने लगता है तो हम कई बुजुर्गों को, कई ऐसे पेशेंट जिनमें ये नहीं बनता है, तो हम एक लुब्रिकेटर देते हैं जिससे कि जब वो सेक्स करे तो उनके पेनिस के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारे लिक्विड एक्सेस में जब बनने लगते हैं, जब हम जवान होते हैं, 20-25 साल के होते हैं, जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, ये लिक्विड बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, तो पेशाब करते समय, टट्टी करते समय ये लिक्विड वहां से निकलने लगते हैं। जब ये लिक्विड हमारे वहां से निकलने लगेंगे
तो हमें जब भी हम पेशाब करते समय, लेटरिंग करते समय जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये एक दो बूंदें निकल जाती है या थोड़ी सी ज्यादा निकलने लगती है और हमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा सीमन निकलता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन करते समय, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के समय जब हम लेटरिन करते हैं तो गुदा के प्रेशर से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की भी एक दो बूंदें वहां से निकलती है यूरेथ्रा के द्वार से, जिसको भी हम सीमन सीमन समझ बैठते हैं। तो दोस्तों ये सीमन नहीं है, ये एक अलग तरह की चिकनाई है। तो दोस्तों पहला सवाल यह है कि ये बन क्यों रहा है एक्सेस के अंदर। दोस्तों जब हमारे हमारे कस्टम के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर मोबाइल नहीं थे, सेक्सुअलिटी नहीं थी, लड़कियां से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, गुरुकुल में रहते थे, तो हमारे ब्रेन के अंदर सेक्सुअलिटी कम थी। लोगों से हम सेक्सुअलिटी के अंदर जब हम पुअर थे तो ये दाद सिंड्रोम की समस्या भी कम थी। लेकिन अब आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल एक चलता फिरता पोर्नोग्राफी का टीवी है। तो जब आप सेक्सुअलिटी के अंदर रहेंगे, जब आप रेगुलर वो क्लिप वगैरह देखते रहेंगे तो ब्रेन से कुछ सिग्नल्स जाएंगे हमारे पेनिस की तरफ, ब्रेन को ऐसा लगेगा कि आप सेक्सुअल एक्ट करने वाले हो, तो वो यूरेथ्रा की प्री कंडीशनिंग करेगा और उस कंडीशनिंग की वजह से वो चिपचिपा पानी आएगा। जब ये चिपचिपा पानी आएगा तो आपका जो लिक्विड आएगा उससे उससे का आपका स्पर्म जो है वो बेटर रहेगा। तो ये जो प्री कम है ये हमारे लिए जरूरी है और इससे किसी भी तरह का कोई वीकनेस नहीं आता। तो बेसिकली जो स्पर्म है वो सिर्फ एक सेक्सुअल एक्ट के दौरान ही निकल सकता है। साइंस मतलब शरीर को प्रकृति ने कुछ इस तरह से बनाया है कि जब आप सेक्स करोगे तो ही स्पर्म निकलेगा, और वो स्पर्म कब कब निकलेगा, जब आप सेक्स करोगे, मैस्ट्रुबेट करोगे, आपको नाइट फॉल होगा, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से सीमन निकल रहा है तो आपका सीमन निकलेगा। लेकिन ये एक नॉर्मल आदमी के अंदर ये प्रीकम जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, नॉर्मल प्रीकम जो है, ये जो प्रीकम है इससे नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कोई वीकनेस वाला पॉइंट नहीं है कि इससे आपको वीकनेस आएगी। बट यदि ये एक्सेस में हो रहा है, कुछ लोगों में एक्सेस में होता भी है, मेरे पास लोग आते हैं और जब मैं उनका पेनिस चेक करता हूं तो उनके अंदर एक्सेस के अंदर वो प्रीकम है, मतलब पूरा पेनिस गंदा हो रहा होता है पानी की वजह से, यानी कि जब भी वो पेशाब जाते हैं तो 1 या 2 चम्मच से ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों उस टाइम पे दिस इज नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और जो आपके सेमिनल वेसिकल है उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन की वजह से ये एक्सेस में बन रहा है। ऐसे लोगों के अंदर दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल और उसकी वजह से वो वीकनेस फील करते हैं, थकावा महसूस करते हैं। लेकिन यदि ये नॉर्मल आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, और एक्सेस में आ रहा है तो ये वीकनेस प्रोवाइड करता है। कैसे वीकनेस करेगा, कुछ लोग इस पे डिबेट भी करते हैं कि यार आप गलत बोल रहे हो और ये नॉर्मल चीज है, पर दोस्तों यदि आप एक एक नॉर्मल आदमी दिन में 2 या 3 बार पादता है तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन यदि वो हर 10 मिनट में पादने लग जाए तो क्या होगा, हर 10 मिनट में गैस पास करने लग जाए तो क्या होगा, तो उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब होगा, उसका उसको फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम आने, वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अपने आप को डिस्टर्ब फील करेगा। तो जब ये एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो आदमी अपने आप को कमजोर फील करता है। मैंने बताया रीजन क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ट्रैक्ट के अंदर, दूसरा अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से भी ये कई बार होता है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, हर बार आपको टट्टी करते समय जोर लगाना पड़ रहा है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा आर्मी का फिजिकल है या मेरा पुलिस का फिजिकल है, आप इसको बंद कर दो। तो हम ऐसे लोगों के अंदर कुछ दवाई भी देते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं जिससे कि इसको हम रोक सके, क्योंकि उस आदमी के लिए साइकोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है कि उसका ये पानी रुके, ये उसका चिपचिपा पानी निकले। तो जब वो निकलेगा तभी वो मतलब वो फोकस कर पाएगा उसकी रेस पे, रनिंग पे, नहीं तो मैं फील कर पाता हूँ कई बार कि जब हम उनका ये पानी रोक देते हैं या कम कर देते हैं
तो उनका फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट भी कर पाते हैं अपने एम्स पे। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम उसके लिए आपको प्रेस्क्राइब भी करते हैं। यदि एक्सेस में आ रहा है तो, यदि नॉर्मल आ रहा है, दिन में एक दो बार फील कर रहा हो, तो ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट नॉर्मल थिंग है, नॉर्मल बिहेवियर है। तो अब इसको नॉर्मल नेचुरल वे में इसको कैसे सही करें, नेचुरल वे में कैसे सही करें? पहला, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। आप मोबाइल के अंदर से सारे पॉर्न वीडियोस डिलीट कर दो, ऐसे ग्रुप से डिलीट हो जाओ जहां पर सुबह से शाम आपको पोर्नोग्राफी भेजते रहते। दूसरा, आप अपने गर्लफ्रेंड से सेक्सुअलिटी की बात कम से कम करो। यदि आप सेक्स की बात करोगे, यदि आप चार्जिंग लोगे तो आपका मोबाइल डिस्चार्ज भी होगा। आप 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचोगे तो चिपचिपा पानी आएगा, फिर इस दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। तीसरा, फाइबर फूड खाएं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, फ्रेश होते समय, टट्टी करते समय जोर नहीं लगाए। दूसरा, एक और है जो है देसी लेटरिन या जो संडास होता है, जब हम उबड़ू करके बैठते हैं तो हमारा जो गुदा है वो कुछ ग्लैंड्स पर प्रेशर डालती है और उससे भी कुछ कुछ ये द्रव्य निकलने लगता है। तो हो सके तो जो वेस्टर्न टॉयलेट से उनका इस्तेमाल करें और लेटरिन करते समय जोर नहीं लगाएं जिससे कि आपका ये चिपचिपा पानी नहीं आए। तो दोस्तों, दांत सिंड्रोम जो है ना, उसको रोकने के ये कुछ तरीके हैं। सबसे स्मार्ट तरीका है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करो, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उससे आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में खर्च हो जाएगी, और बॉडी बिल्डिंग में जब एनर्जी खर्च होगी तो क्या होगा, आपका ये चिपचिपा पानी भी कम हो जाता है। हम लोगों को बोलते हैं कि आप जिम जाओ, कसरत करो, मसल डेवलप करो, क्योंकि मसल डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। तो यदि आपका जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन का, यदि वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम आएगा तो आपका प्रीकम कम हो जाएगा, इस तरह की चीजें कम हो जाएगी, इवन नाइटफॉल वगैरह भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पेनिस को सुबह शाम, अपनी ग्लांस को सुबह शाम साफ करते रहें। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपने यार पेनिस को साफ करो, ग्लांस को क्लीन करो, दिन में दो बार करो, तो अधिकतर लोगों के ये दांत सिंड्रोम की प्रॉब्लम अपने आप सही होने लगती है। मैंने आपको दांत सिंड्रोम के बारे में, नेचुरल वे में ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बताया, इसको कैसे सही किया जा सकता है वो भी बताया। कुछ मेडिकेशंस है वो सिर्फ डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के बाद ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको दांत सिंड्रोम से रिलेटेड मेरा ये वीडियो पसंद आया, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल मिथ को दूर करने की मेरी और मेडिवा हॉस्पिटल की ये कोशिश यदि पसंद आए, तो आप हमारा YouTube चैनल मेडिवा हॉस्पिटल सब्सक्राइब करें, वॉच करें, देखें। और जिन लोगों को सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है सेक्सुअल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।